बिहार सरकार और जिला अधिकारी जनप्रतिनिधि द्वारा बिजली विभाग के बड़े दावे करने के बावजूद भी आम जनता है परेशान। यहाँ जनप्रतिनिधि बिहार सरकार और चाहे वो जिला प्रशासन हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे गांव भी अब शहरों से कम नहीं, यहाँ भी 24 घंटों की बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है, यहाँ भी गांव में भी कल कारखाने का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पर जब ये जमीनी हकीकत पर उतरने के बाद ये पता चल रहा है कि ये सभी बातें जमीनी स्तर पर कहीं दिख नहीं रही है, इसमें नाराजगी दिख रही है। अभी जो बिजली स्थिति है, जो कि बिहार सरकार ने इसे निजीकरण कर दिया गया है और कहा गया है कि यह हमारा बिजली सुचारू रूप से सभी गांव शहरों में पर्याप्त दिया जाएगा और निजीकरण करने से और विकास होगा, पर यहां पर वो हकीकत नहीं है। क्योंकि अभी आप बिहार सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 24 घंटा बिजली हर एक गांव शहर में रहेगा, पर आपको यह चीज की जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी भी बारिश या हवा चलने के बाद यहाँ लाइनों को काट दिया जा रहा है, पोल गिर जा रहा है, और जब उसको अधिकारी से बात करने के बाद पूछा जा रहा है कि लाइन इतनी देर क्यों कट रही है, तो बताया जा रहा है कि पोल टूट चुका है, लाइन का तार गिर चुका है, पेड़ गिर जाने से टूट चुका है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है जी। अभी छपरा सदर के चिरान पंचायत में लगभग आपको बता दें कि कल मौसम खराब होने के कारण से बारिश थोड़ी हुई और हल्का हवा चलने से सुबह रात संध्या 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक अभी तक बिजली कटी रही। कोई इसकी सुध-बुध देखने वाला चाहे वहां अधिकारी हो चाहे वो कर्मी हो बिजली के अधिकारी हो, कोई किसी को सुध-बुध नहीं है। सुबह कार्यालय खुलने के बाद ही 10 बजे खुलने के बाद ही उस पर जांच पड़ताल किया जाएगा कि क्यों लाइन बिजली कटी रही, उसके बाद उस पर उसको चालू करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये स्थिति है। अभी आपको एक भी बात बता रहे हैं कि जो भी निजीकरण जो बिजली विभाग को बिहार सरकार ने दी है, अभी निजीकरण देने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आ रही है, जैसे गांव में खेतों में बिजली का पोल गाड़ा जा रहा है, कुछ थोड़ा सा भी बारिश हो रही है तो वो बिजली का पोल पानी गीले होने से मिट्टी गीले होने से बिजली का पोल गिर जा रहा है, झुक जा रहा है, जिससे बिजली का तार टूट जा रहा है। उस कारण से नदियों में और जगहों पर पानी भींगा होने का उससे विद्युत का प्रवाह हो रहा है और कितने जानवर और अन्य इंसानों की मौत हो जा रही है। तो ये एक सवाल है, जिला प्रशासन इसको संज्ञान में ले कि जो भी सुचारू रूप से काम कराया जा रहा है ऐसा क्यों किया, क्योंकि बिहार सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि जो भी पेड़ बिजली जहां पोल लगाया जाएगा वहां पर से पेड़ पौधों को हटा दिया जाएगा ताकि आंधी या तूफान किसी चलने पर उसको उसका टहनी गिरकर तार पर ना गिरे ताकि वो बिजली का तार टूट सके। फिर भी पूछा जाने पर अधिकारीगण से या उस क्षेत्र के विद्युत कर्मी से तो बताया जा रहा है कि पेड़ गिर जाने से पोल गिर गया। तो ये एक संदेह का बिहार सरकार जनप्रतिनिधि चाहे जिला प्रशासन हो, ये तो अब इसका सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, इसमें आम जनता तो परेशान है ही। एक तीसरा मुद्दा ये है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर जैसे अभी छपरा में एक बोर्ड में बिजली वीडियो वायरल हुआ है, बिजली का बोर्ड में आग लग जाने से वो आग लग रहा है और कोई उसको देखने वाला नहीं है, ट्रांसफार्मर कहीं भी टूट के गिरा हुआ है, उसका तार नीचे गिरा हुआ है पर उसको देखने वाला नहीं है। तो ये कोई निजीकरण क्या है ये तो समझना बहुत ही मुश्किल है। अभी जो स्थिति है बिजली विभाग द्वारा, इस पर जिला प्रशासन विचार करे। और तीसरी बात मैं ये भी
अपने बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यह कहना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति जो कि जो एक साल तक हमारे किसान भाई फसल बोते हैं, बोने के बाद वो काटने का समय होता है तो उस समय बिजली के शॉर्ट सर्किट या तार गिर जाने से एकड़ों का एकड़ में फसल बर्बाद जल जाते हैं। किसान जो वही फसल से अपने साल भर में बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और बिजली विभाग द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, केवल आकर खाना पूर्ति किया जाता है, तो ये किसान हमारे को मरने की स्थिति पर हालत ऐसी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। आप निजीकरण जो भी दिया गया है उस पर एक नियम कानून बनाए कि अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो वो जो भी घटना होगी उसका पूर्ण मुआवजा वो तुरंत अविलंब दे, किसी तरह का उसमें परेशानी ना हो और बिजली जो हमारा 24 घंटा का किया जा रहा है वो, और हमारे जो क्षेत्र के अधिकारीगण हैं चाहे वो जी हों, SDO हों, जो भी हैं अधिकारी, उन लोगों को पर ये अगर इस तरह की लापरवाही या आम जनता का समस्या जाता है, अगर वो लोग उस पर उसको तुरंत निवारण या उसको सच्चाई पूर्वक नहीं अगर बताते हैं तो उस पर कार्रवाई हो, उन्हें अविलंब निलंबित किया जाए और ये आज हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको दें और इसकी सूचना हम बिहार सरकार माननीय मंत्री जी को, प्रधान सचिव को और सभी को हम देना चाहेंगे कि लिखित रूप में कि इस पर सारण वासियों को पर इस बातों को ध्यान रखें।